हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ऑटोग्रिड इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा के ऑल न्यू कैबिन के बारे में। ये आप किसी भी ट्रक के अंदर ले सकते हैं, बट आई थिंक सो ये स्पेशली ऑर्डर करना पड़ेगा। इसके अंदर जो स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं आप और जो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, नया मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो सबसे पहले इसके कैबिन को देख सकते हैं आप। कैबिन में जो स्टीयरिंग व्हील है वो बिल्कुल चेंज किया गया है, प्लस यहाँ पे लाइट्स वगैरह एक बार मैं जला देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। लाइट्स भी चेंज की गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका हैंड ब्रेक लीवर मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे बोतल वगैरह रख सकते हैं आप एक, और यहाँ पे पेपर वगैरह रख सकते हैं, और ये इसके जो मिरर्स हैं उनको डाउन करने के लिए और इसको बंद वगैरह करने के लिए। प्लस यहाँ पे आप साइड व्यू मिरर्स देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ सेम है, जो मेजर चेंजेस हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और पीछे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, केबिन काफ़ी अच्छा है टाटा सिग्ना का। सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं सीट्स। और जो सबसे मेजर चेंज है वो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, स्टीयरिंग व्हील सबसे मेजर चेंज है। ये जो टाटा की कार आती है हैरियर और सफारी, उसका जैसा लगता है बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं जिसके अंदर आप गाने को आगे पीछे प्लस कॉल उठा सकते हैं और म्यूजिक वगैरह सब चीज़ कर सकते हैं। मतलब सारा ही कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील को यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं हाइट वगैरह इसकी। और यहाँ पे इसके लाइट के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है जिसके अंदर आपको RPM मीटर मिलता है, प्लस नीचे टेम्परेचर मीटर मिलता है। उसके बाद यहाँ पे MID मिलता है जिसके अंदर कौन कितना एवरेज है और कौन से गियर में प्लस कितना ट्रक चला है सब चीज़ दिखाता है। जैसे 5.7 की एवरेज दिखा रहा है अभी और न्यूट्रल गियर में तो वो दिखा रहा है। ये स्पीडोमीटर है, और यहाँ पे इसका फ्यूल मीटर दिखता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो साइंस और वार्निंग्स आती हैं वो दिखती हैं। और यहाँ पे आप पेडल्स वगैरह देख सकते हैं, इसके कुछ इस तरीके के पेडल्स दिखते हैं। प्लस ये इसका टच स्क्रीन सिस्टम है। एग्जैक्टली मेरे को साइज़ तो नहीं पता, बट इसका टाटा का खुद का टच स्क्रीन सिस्टम है। और यहाँ पे इसके हैज़र्ड लाइट्स वगैरह और फ्यूल इकोनॉमी स्विचेस, ABS वगैरह सबके बटन्स यहाँ पे मिलते हैं। प्लस हेल्प वगैरह के स्विचेस, SOS वगैरह मिलता है यहाँ पे आपको। USB वाले चार्जर सॉकेट्स मिलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। AC वाला ट्रक है, यहाँ पे आप नीचे बटन्स वगैरह देख सकते हैं पूरे AC के। प्लस इसके अंदर आप ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और व्हीकल की इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कॉल वगैरह सब चीज़ यहाँ से लगा सकते हैं। और लाइव कितना उसके अंदर रिवर्स कैमरा लगवा सकते हैं और वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये और चीज़। प्लस लाइव कितना मतलब ट्रक के अंदर कितना एड ब्लू वगैरह है और इन्फॉर्मेशन वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी चीज़ यहाँ पे दिखाता है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और म्यूज़िक में आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन मिल रहे होंगे आपको, ऑक्स का, ब्लूटूथ का, USB वगैरह का। प्लस फोन अगर आप तब ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से आप बात वगैरह सब चीज़ कर सकते हैं। और ये फोन टू स्क्रीन वाला सिस्टम भी यहाँ पे आपको मिलता है। और यहाँ पे बाकी नीचे से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये USB और ये ऑक्स का पोर्ट मिलता है यहाँ पे। और यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन वगैरह कर सकते हैं, प्लस स्टीयरिंग व्हील से भी वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस जो गाना है उसको आगे पीछे कर सकते हैं और जो कॉल है उसको कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको AC मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रक में, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बहुत ही पावरफुल AC है, लिटरली बहुत तगड़ा AC है इसका, एकदम शानदार कूलिंग करता है। नो डाउट AC में इसको 10 of 10 मिलते हैं, बहुत तगड़ा AC है। आप भी अगर किसी टाटा के ट्रक में बैठेंगे तो आपको पता होगा कितना तगड़ा AC है। बाकी केबिन देख सकते हैं, बहुत शानदार मिलता है। एक गियर नॉब लीवर इसको भी टाटा को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आपने टाटा ने देखा है कि सारी चीज़ चेंज कर दिया, बट गियर नॉब लीवर वैसा है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो को ड्राइवर सीट है वो भी काफ़ी शानदार है। सीट्स में नो डाउट दे आर टू गुड, बहुत अच्छी सीट्स हैं। और पीछे देख सकते हैं आप, पीछे भी स्लीपिंग एरिया काफ़ी शानदार मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे पूरा। ये तो पहले से ही आता था, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और बाकी वहाँ पे एक स्पीकर देख सकते हैं आप, और दो स्पीकर्स वहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए दो स्पीकर यहाँ पे है। प्लस ये लॉकेबल मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना पूरा सामान वगैरह कुछ रख सकते हैं। एक यहाँ पे मिलता है, दूसरा यहाँ पे मिलता है, और तीसरा वहाँ पे मिलता है, ये पहले नहीं आता था। प्लस जो लाइट्स मिलती है वो काफ़ी शानदार मिलती है, ब्राइट लाइट्स हैं, व्हाइट लाइट मिलती है, और ये ऐसे टच से काम करती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये बहुत ही तगड़ी लगी मेरे को। और ओवरऑल इंटीरियर देखेंगे ना, काफ़ी शानदार इंटीरियर कर दिया है। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही तगड़ा लग रहा है इसका, बहुत शानदार स्टीयरिंग व्हील लग रहा है। प्लस जो टच स्क्रीन वगैरह मेरे को बहुत ही तगड़ा लगा। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लस आपको ये इंटीरियर कैसा लगा। आई थिंक सो कुछ कुछ पार्ट्स इसके टाटा प्राइमा से कैरी किए गए हैं, बट अगर आपको और भी ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी मैं आपके लिए टाटा प्राइमा की भी वीडियो लेके आऊँगा, वो भी बिल्कुल इसी तरह का मॉडल है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।